हाय गाइस, वेलकम टू तबूस किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चॉकलेट स्वीट समोसास, जो बच्चों को बहुत पसंद है। रमजान में बच्चे भी रोजा रहते हैं, बच्चों के लिए नई रेसिपी होगी, बच्चे खुश हो जाएंगे रमजान में। तो हम बनाएंगे इसे स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप समोसास बनाएंगे, चॉकलेट समोसास। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा खोया, चॉकलेट, नट्स, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट समोसास में जाएंगे। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नट्स को अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। पहले मैं नट्स को कट कर लूँगी, चॉकलेट मैंने पीसेस में बना लिया है, कट करके आपसे फिर मिलूँगी। नट्स को मैंने कट कर लिया है बारीक साइज में, ये हम रख देंगे साइड में। ये मेरे पास समोसा रैप्स हैं, इसे हम बनाएंगे समोसा पैटीज स्क्वायर शेप में। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हम समोसा पैटीज रेडी करना शुरू करते हैं, शुगर सिरप चाहिए होगा हमें, थोड़ा सा शुगर सिरप हम बना लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम्स ऑफ शुगर, मैंने लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, हमने ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा, 2 पिंच जितना। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम एक तार वाली चाशनी बनाएंगे, बस हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए, ज्यादा थिक नहीं चाहिए, ज्यादा पतली चाशनी नहीं चाहिए। तो इसे हम बनने के लिए स्टोव पे रख के हम बनाना शुरू करते हैं हमारे समोसा पैटीज। तो हमने हमारी चाशनी बनने के लिए रख दिया है स्टोव पे। अब हम बनाएंगे समोसा पैटीज। समोसा पैटीज बनाने के लिए हमें चाहिए समोसा रैप्स। समोसा रैप मैंने ले लिया है, इस तरह के 2 समोसा रैप लगेंगे एक पैटी बनाने के लिए। तो हम लेंगे थोड़ा सा मैदे का घोल, हमने बना लिया है इस तरह से, मैदे का घोल लगाकर ही बनाएं, ताकि हमने जो फिलिंग की है वो बाहर ना आए। इस तरह से हम मैदे के घोल को लगाएंगे। फिर हम इस तरह से इस पे स्टिक कर देंगे। ये हो गया स्टिक। अब हम इसमें देखेंगे फिलिंग। फिलिंग हम इसमें रख रहे हैं खोए की। अब इसमें हम रखेंगे चॉकलेट। फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते होंगे, बादाम और थोड़े से काजू। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इससे भी आटे के घोल से लगाएंगे, ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, ऑयल में हमारी फिलिंग बाहर ना आए। इस तरह से इसके साइड्स को बंद कर दें। अच्छे से क्लोज करें। इसको क्लोज कर दें। ये बन गई हमारी समोसा पैटी, स्वीट समोसा पैटी बनी है हमारी, परफेक्ट शेप बना है, स्क्वायर शेप। इस तरह से हम
सारे पैटीज बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसे फ्राई कैसे करते हैं। पैटीज मैंने बना लिया है, बनके तैयार हैं। चाशनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है थोड़ी सी। अब हम इसे फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम फ्राई करने के लिए इसमें पैटीज डाल देंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। पैटीज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए हमने इसे कितनी अच्छी तरह से रैप किया था, इसीलिए ये कहीं से भी फटी हुई नहीं है, अच्छी से बने हैं। ऑयल को अच्छे से हम इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे, दूसरे वाले पैटीज भी हम फ्राई कर लेंगे। पैटीज बनके तैयार हो चुकी है, ये हमारी चाशनी है। अब हम पैटीज को चाशनी में डिप करेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से पैटी लें, सिर्फ डिप करें थोड़ा सा, इस तरह से रिमूव कर दें। इसमें आपको छोड़ना नहीं है पैटीज को, सिर्फ डिप करते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। तो हमारे स्वीट समोसा पैटीज बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। आप भी इसे घर में बनाएं, रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है, रमज़ान स्पेशल पैटीज हैं ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी तरह के नए नए रेसिपीज आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। चलती हूँ, बाय, खुदा हाफिज़।